नहीं नहीं बेटा, माँ तो इंसान थोड़ी ना, माँ तो नौकरा ही है ना। तू बस आराम करते रहो दिन भर, माँ तो पूरे दिन काम करती रहेगी, पूरे दिन खटती रहेगी घर पर, और तुम वहाँ पे आराम से बैठे रहो। बस मम्मी ऑर्डर देते रहो वहाँ पे बैठे बैठे कि मम्मी ये ला दो, मम्मी चाय ला दो, मम्मी ये ला दो, मम्मी पानी ला दो, बस मम्मी सब कुछ ला देगी। ठीक है, तुम बैठे रहो। और जूस लाऊं? जूस लाऊं क्या मैडम, वो चाहिए? नहीं, कुत्ता पालने की क्या जरूरत है? तुम दोनों को पाल रखा होता काफी नहीं है? एक घर में कितने कुत्ते रहेंगे? है तुझे कहा है मम्मी ने तू कुत्ता है, तुझे कहा है तू कुत्ती है, तू कुत्ता, तू कुत्ती। खुद की साफ सफाई होती नहीं है और कुत्ते को लाके कुत्ते की साफ सफाई करेंगे? नहीं, खुद कर लो पहले। नहीं, वो तो हम ही करेंगे ना, क्योंकि हम इस घर के नौकरानी है, हम ही करेंगे वो भी। नहीं, जितना फोन में ध्यान रखते हो उतना पढ़ाई में लगा लो। अरे नहीं मम्मी, मैंने जस्ट अभी फोन उठाया, जस्ट अभी उठाया जस्ट। नहीं, घर का ये काम इनको दे दो ना, तो पढ़ाई याद आएगी और पढ़ाई के टाइम फोन देख रही है। नहीं सही है बेटा, हमारा देख हमारा काम था तुम्हें पाल पोस के बड़ा करना, और हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब जैसा तुम्हें लगे, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। वैसे भी आजकल माँ बाप की कौन सुनता है, बड़े हो गए हो तुम सब, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। कितना इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी, सिर्फ एक ट्रिप पे जाने के लिए, सिर्फ ट्रिप। चुप कर बदतमीज, हमारे साथ इतनी जबान लड़ाती है, अगर इतनी जबान सासू के साथ लड़ाई ना, तो सासू पहले दिन ही तुझे ससुराल से बाहर निकाल देगी। ठीक है ना, समझ लियो। मुझे लात मारेंगे तो मैं भी लात मार दूंगी, और निकालेंगे ससुराल से तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। समझा समझा के थक गए हैं। नहीं, मैं ही नीचे जाके सामान ले आती हूँ, तुम तो थक गए हो ना, आराम करो राजा महाराजाओं की तरह। मैं ही नीचे जाके सामान ले आती हूँ और मैं ही घर का काम करती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। ओह नो, अरे जाना मम्मी, केयर करना, मम्मी ने बुलाया, जा तुम, तू जाना मम्मी के पास, तुझे तो कहा। नहीं, दिन भर बस खाना बनाते रहो, इन लोगों तो ये है ना कि मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। नहीं, होटल खोल रखा है ना मैंने, घर है, जो बनाओ खाना पड़ेगा। और नहीं, इतनी दिक्कत है ना, खुद का खाना खुद बनाओ, आज के बाद सब अपना अपना खाना बनेगा। ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा। हे भगवान, कौन से मुहूर्त में पैदा हुई थी ये, कौन से भगवान नाराज हुए थे जो ये पैदा हो गई। अब हमारी गलती होगी कुछ जो ये पैदा हुई है, अब हम ही भुगते हैं इसको। इतनी प्रॉब्लम आपको मुझसे तो पैदा होती, आपको मुझे ना था आश्रम में छोड़ देना था ना। बिल्कुल अपने बाप के परिवार पे गई है, वैसे की वैसे भाषा और वैसे ही उल्टे जवाब देना। इमोशनल नाम के दिन के अंदर एक चीज भी नहीं है, इमोशन को तो समझ ही नहीं सकते ये। हमारे परिवार में तो ऐसा कोई भी नहीं है। पापा मम्मी देखो क्या बोल रही है, पापा आ रही है, पापा पानी दे, पानी दे। आखिरी बार तुम दोनों को ना किसी के घर पे लेके आई है, आज के बाद तुम दोनों को ना किसी के घर पे नहीं लेके जाएंगे। मम्मी इसको नहीं लेके आएंगे, इंसान की बच्ची हो ना तो इंसान की तरह रहो ना, इसे ससुंदर की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, वो कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, उतना ही बहुत है, उसमें ये दोनों शेयर कर लेंगे। है कुछ नहीं, इतना खा लो बस, इसमें ये दोनों शेयर कर लेंगे। Oh no! छोड़, छोड़। एक काम करो, डंडा लो, एक दूसरे का सर फोड़ दो, रोज रोज की परेशानी, काम खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मार डालो, काम खत्म। रोज रोज की परेशानी, कुछ भी। गाइस बता दो कि वीडियो बना के लाइफ चल रही है, सब्सक्राइब कर देना। चुप कर बदतमीज, कोई काम की नहीं है, बस खाना खाना आता है, बैठा दो इनको, खाना खिला दो।
ससुराल जाएगा तो सबको भूखा मार देगी। सासू तो कह देगी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। बेटा माँ बाप दुश्मन नहीं है तुम्हारे, हम तुम्हारा अच्छा सोचते इसलिए तुम कहते हैं ना, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं इसलिए हम तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें कुछ कहते हैं। नहीं तो हम दूसरे बच्चा के बच्चों को थोड़ी ना कहते, किसी और के बच्चे को थोड़ी ना कहते हैं कुछ भी। तुम्हारा अच्छा चाहते हैं इसलिए हम तुम्हें कहते हैं ना बेटा, ताकि तुम लाइफ में आगे जाके कुछ कर लो। हम अपने बच्चे को ही नहीं समझाएंगे क्या? इतना इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी। उफ परेशान हो गई हूँ मैं। अरे जब भगवान अकल बांट रहे तो कहाँ थे तुम दोनों? कुछ नहीं, एक पैसे की भी अकल नहीं, ऐसे ही रह जाओगे जिंदगी में। कुछ काम मत करना, बस ऐसे ही पड़े रहना, कुछ नहीं आता। कितनी क्यूट हो आप, ऐसे ही चिल्लाते रहा करो, बड़े क्यूट लगते हो। तुम ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैंने पैदा किया तुझे, 9 महीने पेट में हमने रखा है तुम्हें। भाई ये किस पेट है 9 महीने वाला? बड़ी आई मेरी माँ बननी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, ये बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए है। थैंक यू मम्मी, फेंक के मारेंगे ऐसे मुंह ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं मर जाऊंगी ना तो याद करना अपनी मम्मी को। यार मम्मी यार आई एम सो टायर्ड यार। नहीं तुम कोई गेस्ट हो क्या? घर में आए सोए चंपल उतारा और सो गए। ओह नो, घर में आई नहीं कि सब चालू, घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? आई एम सो टायर्ड मां, इससे चप्पल की मारेंगे ना तो पूरा मुंह सही हो जाएगा, काम कर चल। आई एम टायर्ड मां। हाँ टांगे फैला के सो जाओ, तुम कुत्ते हो क्या? कुत्ता भी ना नहीं, कुत्ता भी अपनी जगह ना साफ करके बैठता है वहां पे, ये कौन साफ करेगा इसको? कैसे बैठी हो तुम? मम्मी यहाँ कर देंगे। ये फोन की वजह से ना तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। नहीं मम्मी चिल्ला रही है। बेटा अभी भी टाइम है, सुधर जाओ सुधर, टाइम आज से निकल गया ना तो कुछ नहीं होगा। किस मुंह बना रही है? हाँ वो जो करेगी वो भी तू करेगी क्या? नहीं कल को वो जाके कुएं में कूदेगी तो तू भी जाके कुएं में कूदेगी क्या? पर मम्मी वो कुएं में क्यों कूदेगी? मम्मी वो क्यों कूदेगी कुएं में? बड़ी बेस्ट फ्रेंड बन के फिर रही है BFF, इससे चंपल के मारेंगे ना तो मुंह सीधा हो जाएगा। इससे एक चंपल को ना गोबर में करके है ना इससे मारेंगी कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। छी गोबर। ओह नो, चुप कर एकदम साइलेंट। खप बदतमीज नालायक, कैसे कैंची की तरह जबान चला रही है, और ये इनको बाहर जाके बोलने का कहे ना तो जबान चुप हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे बाहर जाके, बस इसको माँ के सामने बुलवा लो, माँ के सामने चप्पर चप्पर करते रहेंगे ना, क्योंकि माँ तो इनको कुछ बोलती नहीं है, बस माँ के आगे इनको कितने ही बुलवा लो और किसी और के आगे तो इनकी जबान तक नहीं निकलती बाहर। इससे अच्छा बच्चा कोई और है ही नहीं, दूसरे तो ये सोचते हैं, पर कोई मेरे सामने आके देखे ना कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इनकी। चुप कर बदतमीज। जबान लड़ाएंगे ये नालायक इनके। हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो घर का सारा काम करते थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते थे और साथ में पूरे घर का काम निकालते थे। पर नानी तो, नानी ने तो कभी ऐसा नहीं बोला आपके बारे में। और एक तुम हो, बस इनको खाना खाने का कह देंगे ना तो प्लेट टेबल पे रख के छोड़ देंगे, ये तक नहीं किचन में जाके रख दे, नहीं कुछ नहीं करते है ये। हमारी गलती नहीं, हमारी गलती है कि हमने इनको ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। कहाँ हमारी ऐसी किस्मत, क्या बताऊं मैं आपको, गुप्ता जी की जैसी किस्मत थोड़ी ना हमारी। उनका बड़ा बेटा IIT में सिलेक्ट है और उनका छोटा बेटा अभी से मेडिकल की तैयारी कर रहा है। फोन और टीवी नहीं देखते ना वो सब, बस वो उनको पढ़ाई का काम है, पढ़ाई करती है वो, तुम्हारी इनकी तरह थोड़ी ना है वो टीवी और देखिए। गुप्ता जी के ही बच्चों को अडॉप्ट कर लो ना। मम्मी पैसे देना, वो पार्टी करने जाने। क्या पैसे दे दो तुझे पार्टी के लिए?
बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। एक दिन तू 100 रुपया कमा के बता दे मुझे, पैसे दे दो मुझे। जैसे पैसे तो यहाँ पे उग रही है ना, पेड़ लगा है बड़ा सा और हम इनको तोड़ तोड़ के देते रहे पैसे, वो भी पार्टी के लिए। जब तुम माँ बनोगी ना बेटा तब समझ आएगा, जब जिम्मेदारी सर पे आएगी ना तब पता चलेगा, और जब तुम्हारे बेटे और तुम्हारे तुमसे जबान चलाएगी ना तब पता चलेगा तुमको कैसा लगता है। नहीं हम तो ऐसे करती है ना, बस शादी करने के बाद मैं तुझसे पूछूंगी कैसा होता है। मैं शादी नहीं करूंगी तो माँ कहाँ से बनूंगी। शाबाश बेटा।